के तौसीफ़ साहब से हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे, मालूम लेंगे मोर से मुतालिक, कोशिश करेंगे एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये ब्लू शोल्डर के सारे मौजूद हैं इसके अंदर, और ये अर्ली ब्रीड के हैं, साल भर के, 10 महीने से साल भर के हैं कि नेटिव हैं। तुर्की के नेटिव हैं। हाँ, एक मेल है इसमें, क्या तीन फीमेल हैं? बिल्कुल, तीन फीमेल हैं, एक मेल है। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं जहां से जमशेद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलें। एक बार फिर से आप लोग की रिक्वेस्ट पर मोरो के सेटअप में, जी हाँ, बहुत सारे व्यूवर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मोरो के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज आप व्यूवर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर तमाम नॉलेज से आपको अपडेट देंगे, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कोशिश करेंगे कि इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के आप तक पेश करें। तो तौसीफ़ भाई के सेटअप पे आए हैं यहाँ पर, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ छोटी सी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आप लोग की खिदमत में इसी किस्म के प्रोग्राम पेश करते हैं। तो आइए तौसीफ़ भाई से मुलाकात करते हैं। एक बार फिर से तौसीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत लंबे टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, खैरियत? आप ही नहीं आ रहे हो जहाँ से। क्या क्या वैराइटीज़ लेकर आए हैं व्यूअर्स के लिए? मोर की वैराइटी अपने पास, मोर वैराइटी के अंदर वैराइटी है सारी, अर्ली ब्रीड के ब्रीड है तकरीबन सारी। अर्ली ब्रीड अर्ली क्वीन क्या है? अर्ली ब्रीड के पट्टे। अच्छा, अर्ली ब्रीड के पट्टे लेकर आए? बिल्कुल, अर्ली ब्रीड बड़े साइज के मोर, बड़े साइज के, क्योंकि अभी मोल्ड क्लियर हो रहा है तो अभी इसकी टेलें आ रही हैं, वो दिखा देता हूँ। नई टेल दिसंबर के अंदर तकरीबन सबकी टेलें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जनवरी से ब्रीड का सीज़न स्टार्ट है। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर पीक का सीज़न आ जाता है। अच्छा, मार्च के अंदर ये एगलिंग्स करते हैं? एग लाएंगे, चिक्स आ जाते हैं। चिक्स आ जाते हैं, तो एगलिंग किस टाइम पे करते हैं? ये जनवरी के अंदर स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पीक का सीज़न जो आता है वो मार्च ही आता है। नॉर्मली सारे जो है मोर ब्रीड कर रहे होते हैं फिर इस तरह। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मोर के अलावा भी आपके पास वैराइटीज़ मौजूद हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? मोर के अलावा कुछ फीजेंट रखे हुए हैं, और कुछ टर्की हैं, कुछ चकोर हैं। चलिए हमको फिर उन पर भी नज़र डालते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फीजन भी रखे हुए हैं कबूतर अपने शौक के, वो भी दिखा लेते हैं, देखते हैं कबूतर भी देखते हैं। ठीक है, आइए तौसीफ साहब के मोरों पर नज़र डालते हैं। जी व्यूअर्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि तौसीफ साहब से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, मालूमात लेंगे मोर से मुतालिक, कोशिश करेंगे एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मोर की वैराइटीज़ इनके पास मौजूद हैं। तो अब इनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तौसीफ साहब से। जी तौसीफ साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फुल साइज़ के मोर हैं, कौन कौन से मोर हैं इसमें, क्या प्राइस है इनकी? इसके अंदर हैं ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर के, ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर। हाँ, और वाइट भी हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये बताइए सारे जो हैं ये फुल अपने मेच्योर उसमें? हाँ, इसके अंदर सब नहीं है, इसके अंदर कुछ चिक्स भी रखे हुए हैं बस, यानी कि पट्टे हैं जो 6-7 महीने की एज के हैं वो भी मौजूद हैं, और बड़े भी हैं। बड़े वाले जो हैं वो 30,000 रुपये का पेयर है ब्रीडर। अच्छा, इनकी टेलें अभी आ रही हैं नई टेल, क्योंकि क्रूज का सीज़न इन्होंने क्लियर करा है, मोल्ड क्लियर हो रहा है, तो अभी दिसंबर के अंदर फुल टेल में होंगे ये। अच्छा तौसीफ भाई, ये बताएं कि जो आप मोर दिखा रहे हैं अभी मैच्योर मोर जो हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये ब्रीड करते हैं या फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे? ये पिछली दफ़ा ब्रीड कर चुके हैं, सेकेंड टाइम की टेल आ रही है इसीलिए ना इनकी। अच्छा, मौसम सरमा आ रही है, तो ये बताएं कि इनकी स्पेशल केयर क्या होगी, क्या इनको फीड देनी पड़ेगी? देखिए, अगर किसी केज वगैरह के अंदर रख रहे हैं तो उसको चारों तरफ से ढक के रखें सबसे पहले, तो दूसरी बात फीड वगैरह के हवाले से इन्हें जो है अंडा डेली बेसिस के ऊपर चलाएं, अंडा बॉयल अंडा ये खाते हैं, और फीड के अंदर एवियन कैप्सूल वगैरह जो मछली वाले अंडे यानी कि ऑयल जो होता है एवियन कैप्सूल वो दे दें। अच्छा तौसीफ साहब, आपने एवियन कैप्सूल बताया, एवियन कैप्सूल मैंने देखा है कि 200 mg में भी आता है, 400 में आता है, मेरे ख्याल से 600 में भी आता है शायद, तो तीन पावर में आता है, तो कौन सी पावर का आप इस्तेमाल करते हैं? 200 वाला के अंदर इस्तेमाल करते हैं, 200 वाला इस्तेमाल। बिल्कुल, 1 kg के अंदर तकरीबन आप 3 कैप्सूल डाल दें उसके, 1 kg की फीड के अंदर, फीड के साथ दाना मिक्स भी हो, यानी कि 1 kg दाना उसके अंदर 3 कैप्सूल सही है मिक्स करके दें ये, तो इनके परों वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, परों के लिए भी अच्छा है, फिर वो गर्म कर देता है फीड को और जो है ना। अच्छा तौसीफ साहब, ये बताएं जो चिक्स हैं इनके क्या रेट चल रहे हैं? ये 6-6 महीने के चिक्स हैं, और 15,000 रुपये इसके प्राइस हैं पेयर के। 15,000 रुपये प्योराइज हैं इनके, और 6-6 महीने के चिक्स हैं। हाँ, ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर। अच्छा ये बताएं, जो हम आपने व्हाइट वाला दिखाया और ब्लैक शोल्डर ब्लू शोल्डर दिखाएं, तो इनकी जो प्राइस बताएं वो 30,000 रुपये पेयर है, कोई सा भी ले लें? व्हाइट वाला नहीं, व्हाइट वाला 40,000 रुपये का पेयर है, और ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर 30,000 रुपये का ब्रीडर पेयर है। व्हाइट वाला ब्रीडर नहीं, व्हाइट वाला भी ब्रीडर है, वो 40,000 रुपये का है। 40,000 रुपये का जी।
जी तौसीफ साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने कुछ मोर के चिक्स सेपरेट किए हैं, इनकी एजेस क्या है, इनके प्राइस क्या है, कौन सी ब्रीड है ये? ब्लू शोल्डर के सारे मौजूद हैं इसके अंदर, और ये अर्ली ब्रीड के हैं, साल भर के, 10 महीने से साल भर के हैं ये। 10 महीने से साल भर के? हाँ, अर्ली ब्रीड के जो मैंने पट्टे बोले थे ये वो हैं। और पेयर का जोड़ा कितने का? ये है 18,000 रुपये का पेयर है। 18,000 रुपये का पेयर है ये सारे। अच्छा, ब्लू शोल्डर हैं इसके अंदर। एगलिंग्स पे कितने टाइम के बाद आएंगे? 2 साल के अंदर आएंगे। 2 साल के अंदर आएंगे? 2 साल के अंदर आएंगे, नेक्स्ट ईयर जो है ये ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। और इनकी फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी? फाइनल प्राइस 17,000 रुपये कर लेंगे आपके व्यूअर्स के लिए। जी इस केज में कौन से चिक्स हैं? इसके अंदर भी साल भर वाले वही 10 महीने साल भर के हैं, और ये ब्लैक शोल्डर के हैं सारे। ये ब्लैक शोल्डर हैं? हाँ, वो ब्लू शोल्डर थे, ये ब्लैक शोल्डर हैं, सेम प्राइस हैं इनके भी, 18,000 रुपये पेयर के। अच्छा, ब्लैक शोल्डर के जो फेसेस होते हैं वाइट वाइट होते हैं? फेस जो मैं देख रहा हूँ उनका चेहरा सबके वाइट वाइट से हैं। हाँ, वाइट वाइट से हैं। अभी एज जिस तरह बड़ी होगी, अभी ग्रीन शेड दे रहा है और ब्लू शेड दे रहा है, जिस तरह एज बड़ी होती रहेगी ब्लू शेड पर आ जाएगा ये सारा। तो इनकी प्राइस क्या है पेयर की? 18,000 रुपये। 18,000 रुपये प्राइस है। व्यूवर्स के लिए? 17,000 रुपये। ठीक है, ये भी 2 साल में ब्रीड में आ जाएंगे? ये भी नेक्स्ट ईयर ब्रीड पर आएंगे इंशाल्लाह। ये तकरीबन वही अर्ली ब्रीड के हैं ये भी, तो ये साल भर, 10 महीने से साल भर के पट्टे हैं। जी मैं देख रहा हूँ थर्ड केज है, इसके अंदर भी चिक्स मौजूद हैं, क्या ये छोटे चिक्स हैं? नहीं, ये भी 6 से 7 महीने की एज के हैं, जो जिस तरह वो मास्टर केज के अंदर थे, तो इनके प्राइस भी 15,000 रुपये। ये सब ब्लैक शोल्डर के चीज हैं, सारे ब्लैक शोल्डर के पट्टे हैं। 15,000 रुपये जोड़ी के पेयर? हाँ बिल्कुल, पेयर के ये 15,000 रुपये, ये 6 से 7 महीने एज है इनकी। तो 7 मंथ्स इनकी एज है? बिल्कुल, 6 से 7 मंथ, क्योंकि कुछ पहले निकल आते हैं कुछ बाद में, इसलिए। अच्छा, ये भी नेक्स्ट ईयर ब्रीड करेंगे या इनको थोड़ा टाइम और लगेगा? थोड़ा सा और टाइम लगेगा इन्हें, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तकरीबन 1.5 साल लेंगे ये। 1.5 साल लेंगे ब्रीड के लिए? बिल्कुल। अच्छा, 7 मंथ्स के जो एज के यहाँ पे ब्रीड हैं वो आप बताने हैं 15,000 रुपये के, और जो 10 महीने के हैं वो आप? 10 महीने से साल भर के जो हैं वो 18,000 रुपये, आपके व्यूवर्स के लिए 17,000 रुपये। अच्छा, 15,000 वाले में पहले आपने डिस्काउंट करा लिया, फिर व्यूवर्स अलग करवा रहे होते हैं आपके। जी तौसीफ साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी कुछ मोर के चिक्स हैं, ये कौन से हैं? ये ब्लू पाइट और ब्लैक पाइट, पाइट के अंदर हैं जो वाइट के साथ क्रॉस होकर आते हैं ब्लू से। ठीक है, पाइट का जोड़ा है। तो इनकी एज कितनी है? ये भी तकरीबन 6 से 7 महीने की एज के हैं। 6 से 7 महीने की एज के हैं, इनकी डिमांड क्या है? ये 18,000 रुपये का पेयर है पाइट का। 18,000 रुपये का पेयर है। जी तौसीफ साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वाइट मोर भी रखे हैं आपने चिक्स हैं, तो उनकी क्या डिमांड है? ये भी वाइट मोर के 6 से 7 महीने की एज के हैं, और ये 20,000 रुपये पेयर है। 20,000 रुपये का पेयर है? 20,000 रुपये का पेयर है, 6 से 7 महीने के। 6 से 7 महीने के सेम एज के हैं ये भी सब। इनको भी तकरीबन 1.5 साल लगेगा मेच्योर होने में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो इनमें कुछ डिस्काउंट कमी पेशी कर लेंगे आप? डिस्काउंट अभी करा रहे हैं, फिर व्यूअर्स फिर अलग आते हैं। जी जमशेद साहब के, जमशेद आसमी इंफॉर्मेशन चैनल से आए हैं, तो कुछ डिस्काउंट इंशाल्लाह कर लेंगे, जो भी होगा बेहतर। ठीक है जी, यहाँ पर जो चिक्स हैं इनके बारे में बताएं। ये ब्लू शोल्डर के हैं, 6 से 7 महीने की एज के हैं सारे, ब्लू शोल्डर हैं ये, और ये भी ब्लू शोल्डर हैं, और ये 15,000 रुपये का पेयर है। 15,000 रुपये का पेयर है। अच्छा, ये भी 1.5 साल में मैच्योर होंगे? ये भी 1.5 साल लेंगे तकरीबन मैच्योर होने में। अच्छा, ये बताएं तौसीफ साहब, ब्लू शोल्डर एक्चुअल है कहाँ की ब्रीड? ये इंडिया पाकिस्तान की ब्रीड है, एक्चुअल ब्लड लाइन ही यही ब्लू शोल्डर है, इसके बाद ही सारे निकले हैं, ब्लैक शोल्डर, पाइट, वाइट सब इसी में से निकले हैं। आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की ब्रीड है, कोई एक होना चाहिए ना। तो इंडिया पाकिस्तान, तो बीच में कश्मीर आ रहा है। इंडियन ब्लू भी कहलाता है, पाकिस्तानी भी कहलाता है ब्लू शोल्डर, और 3-4 नाम जो इसके यही हैं इसके। अच्छा, ये पाकिस्तान और इंडिया की ब्रीड है? बिल्कुल, ओरिजिनल ब्लड लाइन यही है। अच्छा तौसीफ साहब, ये बताएगा कि मोर आपने बताया पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं, तो ये नेटिव कहाँ से होते हैं, यानी बिलोंग्स कौन सी जगह से करते हैं, जंगलों से करते हैं या फिर रेगिस्तानी इलाकों से? हमारे थरपारकर के साइड बहुत ज़्यादा हैं, तो आप देख लें थरपारकर कौन सी जगह है। ठीक है, तो वहाँ की उमरकोट, थरपारकर वगैरह, लेकिन ये सारे मेरे पास जो हैं ये फार्मी ब्रीड है, कैप्टिव ब्रीड है, तो बाकी जो इनकी ओरिजिनल ब्लड लाइन है ये वहाँ की है, थरपारकर वगैरह की। ये सारे लेकिन फार्म की ब्रीड है? ये सारे टोटल फार्म की ब्रीड है, जंगली के ऊपर मैं कर ही नहीं रहा होता हूँ। जी यहाँ पर भी कुछ चिक्स मौजूद हैं, इनके बारे में बताएं। ये भी 6 से 7 महीने की एज के, ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर मिक्स रखे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने ब्लू शोल्डर ब्लैक शोल्डर मिक्स भी रखे हुए हैं, सेपरेट भी रखे हुए हैं, क्या वजूहत है आपने अलग अलग करके रखे हैं? एक केज में 10-10 पीस के हिसाब से रखे हुए, तो बाकी जो बच गए फिर 10 से ज़्यादा, तो उन सबको एक साथ मैंने रख दिया इस तरह। बाकी कोशिश ये कही कि एक केज के अंदर 10 पीस रहें,
ताकि वो सेट भी रहे मेरे पास। इनकी एज कितनी है सो? इसकी 6 से 7 महीने एज है। ठीक है, तो ये भी 1.5 साल के बाद मैच्योर हो। बिल्कुल सेम एज है। बस ये क्या क्वान्टिटी ये ज़्यादा है तो इनको अलग अलग करके रखा हुआ मैंने केजेस के अंदर ताकि ये खुले भी रहें, सही रहें एक्टिव। इनकी डिमांड कितनी है? ये भी 15,000 रुपये का सेम प्राइस है। 15,000 रुपये का पेयर है। ब्लू शोल्डर ले लें, ब्लैक शोल्डर ले लें, 15,000 रुपये का पेयर है। तो व्यूअर्स, जो तौसीफ़ साहब के मोहर थे उन पर हमने नज़र डाली, आप लोगों को दिखाएं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तादाद में मौजूद है तौसीफ़ साहब के पास, तो आप लोग को एक ओवरव्यू दिखाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में मौजूद है। जो 7 महीने के 10 महीने के इन्होंने दिखाए, तो आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाया ताकि आप लोग को क्वान्टिटी का अंदाज़ा हो जाए। इस वक्त हम लोग फर्स्ट केज के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। यहाँ पर ये सेकंड केज भी आप देख सकते हैं और थर्ड केज में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चिक्स रखे हुए हैं। उन्होंने तकरीबन चिक्स को सेपरेट करके रखा हुआ है, 10-10 पेयर को इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पर ये फोर्थ केज है जिसमें इन्होंने पाइट के रखे हुए हैं। इसके बराबर केज में जो है यहाँ पर वाइट वाले रखे हुए हैं इन्होंने, और जो नीचे केज में है यहाँ पर इन्होंने कुछ रखे हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट केज में भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इसके सामने जो है ये मास्टर केज है, और इसके साथ साथ भी यहाँ पर भी इनके पास मौजूद हैं कुछ केजेज़ में, और ये सेकंड केज है जी। तौसीफ़ साहब, इन के मोरों के बारे में बताएं, ये वाइट वाइट से थोड़े नज़र आ रहे हैं। ये सारी फीमेलें सेपरेट की हुई हैं मैंने, सारी फीमेल सेपरेट की, सारी फीमेल सेपरेट हैं। ये नस्ल कौन सी है? ये ब्लैक शोल्डर की फीमेल है। ब्लैक शोल्डर्स की फीमेल है। इनकी एज कितनी है? ये भी 6 से 7 महीने की एज के हैं। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा, आपने इनको सेपरेट क्यों किया? मेल के हिसाब से फीमेलें मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो कोशिश की है कि मेल और फीमेल का पेयर बना के रखूँ, जितनी फीमेल एक्स्ट्रा, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो कहता है कि एक मेल के साथ 2 फीमेल या 3 फीमेल लूँ, तो मैंने सेपरेट करके रखा है इसीलिए। अच्छा, बाकी आपके जो बर्ड जोन पे मैं नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप मोरों पे काम करते हैं, तो ये बताएं कि अगर कोई ब्रीड के हवाले से ले, यानी एगलिंग्स के हवाले से ले, तो एक मेल के साथ वो कितनी फीमेल्स रखें? एक मेल के साथ 3 फीमेल्स रखें। एक मेल के साथ 3 फीमेल रखें, और 3 फीमेल के अंदर भी ब्रीड अलग अलग रखें, तो फिर उसके पास पाइट हर तरह की ब्रीड आएगी, यानी कि ब्लू शोल्डर के साथ एक वाइट डाल लें, एक पाइट डाल लें, तो उसके अंदर सारी ब्रीड क्रॉस होके मिक्स आएगी। जिस तरह ये पाइट है, खूबसूरत कलर आ रहा है माशाल्लाह से, कितना प्यारा कलर है इसके अंदर पाइट में, तो ये ब्लैक पाइट के अंदर मेल है। अच्छा, आप सजेस्ट करते हैं कि अगर एक मेल हम ब्लू शोल्डर का या ब्लैक शोल्डर का छोड़ें, उसके साथ हम एक फीमेल पाइट की छोड़ें, पाइट या वाइट के साथ क्रॉस करके लें, ताकि ब्रीड ये भी आए हमारे पास, नस्ल की ब्रीड की फीमेल आप छोड़ें। बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, ये बताएं, मोर जो है साल में कितनी दफ़ा एगलिंग्स करते हैं? इनका सीज़न आता है जनवरी फरवरी मार्च का सीज़न पिक का होता है, उसके बाद अगस्त तक का इनका सीज़न होता है। उसके अंदर तकरीबन एक फीमेल से 36 से 40 के अंडों के दरमियान आ जाते हैं। एक फीमेल दे देती है फार्मर, अगर उसको अंडे को उठा लें और इंक्यूबेटर वगैरह में हैच करवाएं तो फीमेल एक ज़्यादा दे देती है, और अगर आप उसको खुद वो हैच करें तो वो 14 अंडे 12 अंडे इस तरह हैच करके हड़ी आती है। अच्छा, तौसीफ़ साहब, ये बताएं कि ये जो मोरे फार्मी जो आपने रखे हुए हैं, अगर हम इनको पेयर बना के सेपरेट एक घर में रखते हैं, तो क्या घर के अंदर ब्रीड कर लेते हैं? बिल्कुल, घर में बहुत आराम से ब्रीड करता है, सिर्फ इसको केज चाहिए होगा 8x8 का एक पेयर, यानी कि एक मेल के साथ 3 फीमेल हों, तो उसके लिए 8x8 फीट का केज और हाइट तकरीबन 5-6 फीट भी चल जाएगी उसकी, तो उसके अंदर ईजिली ब्रीड आएगी। बेहतर तौर पे क्या है, हमें इंक्यूबेटर से एगलिंग ले लेनी चाहिए या फिर मोर से? इंक्यूबेटर से लें, क्योंकि इसके अंदर ब्रीड ज़्यादा आ जाती है, ब्रीड ज़्यादा, क्योंकि फीमेल अगर खुद हैच नहीं कराएगी तो वो टाइम पीरियड जो होता है इनका, उसके अंदर या तो वो एक कलच देगी, उसके साथ बच्चे निकालेगी, समझ लें 28 दिन में अगर ये बच्चा दे रही है, उसके बाद वो बच्चे लेके बड़े कर रही है अपने साथ, उससे बेहतर है कि आप वो अंडे उठा के थोड़े टाइम वो गैप आएगा, उसके बाद दूसरा कलच बनेगा, फिर अंडे ले लें, तीसरे कलच के ऊपर इसे जो है ना आप हैच करवाने दो खुद को कि वो बच्चे निकालें। साल भर में कितने कलच देती है? 3 कलच लेते हैं इससे, 3 कलच लेते हैं। और अगर अंडे ना उठाएं वो उसके ऊपर ही बैठ गई कुड़क होके, तो वो सिर्फ एक ही कलच देगी, 12-14 अंडे जो उसने दिए हुए उसी से बच्चे आएंगे बस। ठीक है, तो चलें बाकी बर्ड से भी नज़र डालते हैं। सारी ब्रीड माशाल्लाह तो इसीलिए हुई है ये फार्म की, क्योंकि अंडे उठा लिए जाते हैं, फार्मर अंडा उठा लेता है और उससे ब्रीड ले लेता है इसीलिए। तो ये सारे इंक्यूबेटर से हैं इनकी? बिल्कुल, ये सारे मशीनी बच्चे हैं, मशीनी बच्चे। अच्छा, तौसीफ़ साहब, ये बताएं कि अगर कोई शख्स कारोबार के हिसाब से, साइड बिजनेस के हिसाब से एक मोर 3 मोरियाँ लेके छोड़े, तो कैसा आप समझते हैं कि सही अच्छी वो है कारोबार के लिहाज से? मोर और 3 फीमेल से 3 मोरनियों से तो कम ही ब्रीड आएगी हमारे कराची के अंदर, एक तो स्पेस कम है, ठीक है, पंजाब साइड के ऊपर स्पेस ज़्यादा है, तो उधर ब्रीड भी काफ़ी हो रही है माशाल्लाह। अच्छा तौसीफ़ भाई, तो ये मुनाफा बख्श कारोबार है? बिल्कुल मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि आपने बताया एक फीमेल इतने अंडे दे रही है, और अगर आप तकरीबन 60 फीमेल बताए थे आपने, एक फीमेल 13 एग्स दे रही है, तो यानी ठीक ठाक भरपूर ब्रीड आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, आपने बताया पंजाब में तो इतनी ब्रीड कर रहे हैं, तो क्या कराची में अगर हम इतनी क्वान्टिटी में रखें
मोरों को, तो क्या यहाँ पर भी कराची में भी ऐसी ब्रीड करेंगे? बिल्कुल, कराची के अंदर भी करेंगे ये इस तरीके से। इसके लिए थोड़ी सी स्पेस इसको दे देनी होगी, जो हमारे पास बहुत इशू है कराची के अंदर। स्पेस यानी इनको जगह देनी होगी ज़्यादा, खुली जगह चाहिए। बिल्कुल खुली जगह चाहिए, फिर ये भरपूर ब्रीड करेंगे। बिल्कुल अच्छी ब्रीड देंगे ये। जी व्यूअर्स, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो ये कारोबार कर सकते हैं, मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि एक फीमेल ये 13 eggs देती है। तो जिनके पास स्पेस है वो इस कारोबार में हिस्सा ले सकते हैं, और एक मेल के साथ 3 females छोड़ के वो इससे ब्रीड ले सकते हैं भरपूर। जी तो आसिफ भाई, बिल्कुल ऐसे एग्स तो हम 30 से ज़्यादा आते हैं इसके पास। हाँ, मैंने कहा ना 12 से 14 अंडों का कलच आता है, तो आप ये लगा लें 36 से 42 अंडों के दरमियान हो गए, ये 3 का कलच ले रहे हैं तो हम इनसे। जी तौसीफ साहब, तो मज़ीद आपके पास क्या ब्रीड है उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। टर्की रखे हैं, टर्की दिखा देते हैं, और फीजेंट के अंदर रेड गोल्डन है और वाइट फीजेंट है। चलिए देख लेता हूँ। देख लेता हूँ जी तौसीफ साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने टर्की रखे हैं, कौन कौन से टर्की हैं इसके अंदर? ये ब्लैक के अंदर है और वाइट के अंदर एक फीमेल है। मैंने कहा ना कि वाइट साथ में डाल दें तो क्रॉस ब्रीड हो जाती है। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा आपसे, ये नेटिव कहाँ के होते हैं, कहाँ की ब्रीड है ये? टर्की के मोर कहलाते हैं, तो टर्की के नेटिव हैं ये। टर्की के नेटिव हैं? हाँ ठीक है, तो टर्की से निकले हैं। टर्की। अच्छा, तो ये बताएं कि प्राइस क्या है? ये 10,000 रुपये का पेयर है। 10,000 रुपये का पेयर है, बिल्कुल। अच्छा, ये मैच्योर फॉर्म पे अपनी? बिल्कुल। अच्छा, एगलिंग कर रही हैं? अभी नहीं कर रहे, मैंने कहा ना दिसंबर जनवरी के अंदर इसकी ब्रीड शुरू हो जाएगी। दिसंबर जनवरी के अंदर एगलिंग करेंगे जी। ठीक है, तो इस साल में कितनी दफ़ा एगलिंग्स करते हैं? इनका भी वही सीज़न होता है इस तरह मोरों का है, दिसंबर जनवरी से लेके और अगस्त तक के, जो 4 महीने का सीज़न होता है असल इनका। तो जो पहले स्टार्ट ले लेता है वो पहले रुक जाता है, जो मार्च अप्रैल में जाके स्टार्ट लेते हैं एक लाइन करते हैं वो जुलाई अगस्त तक जाते हैं। अच्छा, एक क्लच में कितने एग्स देते हैं? ये भी 14 अंडे, तकरीबन 12 अंडे 14 अंडे देते हैं एक क्लच के ना, 3 क्लच इनसे भी ले जाते हैं जी। अभी तो हमने टर्की पे नज़र डाली, अब क्या दिखाएंगे व्यूवर्स को? फीजेंट दिखा देते हैं, रेड गोल्डन है और वाइट के अंदर है प्योर। देखते हैं जी तौसीफ साहब, मैं देख रहा हूँ कि एक मेल है इसमें, क्या 3 फीमेल है? बिल्कुल, 3 फीमेल है 1 मेल है। तो ये ब्रीडर वो है? बिल्कुल सेट है। इसके तो साथ भी 3 फीमेल चल जाती हैं। अच्छा, पेयर की डिमांड कितनी है? पेयर की डिमांड है 28,000 रुपये। और सेट की डिमांड? 55,000 रुपये का सेट है ये। 55,000 रुपये का सेट है, जिसमें 3 फीमेल हैं और 1 मेल है। 1 मेल है। अच्छा, इन्होंने एगलिंग करी है अभी? इसने लास्ट ईयर करे थे एगलिंग। लास्ट ईयर इन्होंने एगलिंग करी है, आप ये एगलिंग्स के लिए तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं तौसीफ साहब, ये साइज़ में भी छोटे मुझे दिख रहे हैं, तो ये बताएं कि साल में एक क्लच में कितने एग्स देते हैं फीमेल? इसकी फीमेल जो है तकरीबन 10-11 अंडे ही देती है, ज़्यादा इसके एक नहीं आते। इसकी ब्रीड कम है, सिलो है। सिलो है, इसकी सिलो है। और साल में कितने क्लच देते हैं? वही 3 क्लच लेते हैं जी। तौसीफ साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वाइट फीजेंट रखे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल बनता है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ वाइट एंड पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। ये फूल है, इसकी खूबसूरती है। खूबसूरती है तो वाइट खूबसूरती नहीं आ जाती है, क्योंकि ये रिंग नेक से निकले हुए जिस तरह सूरजमुखी वगैरह होता है इंसानों में आ जाते हैं, इसी तरह ये जो है मोरों में वाइट आ गए, फीजेंट के अंदर वाइट आ गए, इस तरह फिर इनकी एक ब्रीड ही बन गई है वाइट से वाइट क्रॉस करके। अच्छा, अगर वाइट की हम एगलिंग्स वगैरह लेते हैं तो वाइट की वाइट ही मेल है? बिल्कुल, वाइट की वाइट ही नहीं बल्कि रिंगनेक से भी वाइट निकल कर आते हैं। अच्छा, रिंगनेक से भी वाइट? हाँ बिल्कुल। तो इनकी डिमांड कितनी है पेयर की? ये 8,000 रुपये का पेयर है और फीमेल एगलाइन कर रही है मेरे पास इसकी। फीमेल एगलाइन कर रही है? बिल्कुल एगलाइन कर रही है जी। तौसीफ साहब, यहाँ पर चकोर हैं? बिल्कुल, ये ब्रीडर चकोर हैं। सब क्या प्राइस है इनकी, क्या एज है इनकी? ये एज के अंदर हैं तकरीबन 4-4 साल के, 2 दफ़ा इनसे ब्रीड में ले चुका हूँ, 2 साल यानी के 2 दफ़ा आप कलच ले चुके हैं? 2 साल में ब्रीड ले चुका हूँ और माशाल्लाह से भरपूर बेच चुका हूँ। अच्छा, तो ब्रीडर जोड़े हैं ये ब्रीडर भी है? इसमें 3-4 पट्ठे इन्हीं के। पट्ठों का जोड़ा कितने का? पट्ठों का जोड़ा मिल जाएगा 4,000 रुपये का, तकरीबन वो हैं 5-5 महीने के। और ये अपने ब्रीडर जोड़े हैं? ये 8,000 रुपये का पेयर है, ब्रीडर गारंटी है ये ब्रीड देंगे जी। तौसीफ भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कौन कबूतरों में वैरायटी है, कौन कौन से कबूतर हैं? ये सारे मैगपाई उबारा गेले हैं, पॉटर गेले हैं ये है। इसके अंदर ये सारी मेरे पास ब्रीड जो आई थी वो है। अच्छा, शौकिया तौर पर आपने थोड़े बहुत कबूतर रखे हैं? बिल्कुल, ये मुझे पसंद है उबारे कबूतर जी। नॉट फॉर सेल है? नॉट फॉर सेल है, ये अपने शौक के लिए हैं। कुछ पट्ठे हैं, कुछ बड़े हैं इसके अंदर। तो ये बताएं, ब्रीड लिया आपने इनसे? हाँ, ब्रीड भी ली हुई है इसके अंदर। अच्छा, ये बताएं तौसीफ भाई, मैं देख रहा हूँ तो आपका शौक है, आपने शौक के तौर पर रखे हैं, अगर हमारा कोई व्यूअर शौक करना चाहेगा तो उसके लिए कितने के देंगे? सारे बेनिफिट्स व्यूअर्स के लिए ना लें, शौक के हमारे लिए भी छोड़ दें। अच्छा, आपको भी शौक करने का मौका? अगर कोई व्यूअर चाहता है कबूतर परचेस करना तो ये कबूतर आपके पास मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे? मेरे पास अरेंज कर दूंगा, होंगे नहीं। वैसे पेयर की डिमांड बता दें?
ये तकरीबन 12,000 रुपये का पेयर है। 12,000 रुपये का पेयर है, अगर कोई व्यूअर चाहे तो आप उनको अरेंज करवा के दिलवा देंगे। क्वालिटी वाइज होते हैं ये पूरी कटिंग के ऊपर हैं, यानी कि ब्राउन वाले जो है ना, जिस तरह हेड के ऊपर जिस तरह निशान है और चेस्ट के ऊपर शोल्डर वाइट है, इसी तरीके से ब्लू के ऊपर है। तो अगर फुल कटिंग के अंदर हैं तो फिर उसके प्राइस है, नहीं तो नॉर्मली 12,000 रुपये का पेयर मिल जाता है। इसका पाम हाउस देखें, बहुत अच्छे हैं इनके ऊपर ब्रीड। यही वाली ब्रीड कितने की होगी? ये भी तैयार पट्टे हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 12,000 जितने के मैंने लिए हैं। 12,000 रुपये की डिमांड है? नहीं, जितने के लिए पट्टे, बाकी ब्रीडर इससे ऊपर ही होंगे। व्यूअर जीता तौसीफ साहब के सेटअप का विजिट, यहाँ पे हमने मुकम्मल तौर पे मोरों के ऊपर इंफॉर्मेशन ली है और ब्रीड के हवाले से भी ली है, और उन लोगों के लिए बेनिफिट है जिनके पास स्पेस है वो मोर की ब्रीड ले सकते हैं, मोर भरपूर ब्रीड करते हैं। तो ये एक साइड बिजनेस बहुत अच्छा बेनिफिट है, अगर कोई इसको करना चाहे तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। और अगर किसी के पास कम भी जगह है तो वो एक दो जोड़े रख के तजर्बा ले सकते हैं, इनसे सीख सकता है, सीखने का मौका मिल सकता है उनको, और इससे भी बिजनेस कर सकता है। कि बंदा एक दो पेयर लेके एक दो सेट लगाए, पहले तजर्बा करे, डायरेक्टली इतने सारे नहीं 10-12 सेट लगा ले। तो तौसीफ भाई गाइड करने के लिए आप मौजूद? बिल्कुल, गाइड करने के लिए ब्रीड करवा सकते हैं आप? बिल्कुल, गाइड के लिए तो है। अगर कोई 10 जोड़े भी डालेगा तौसीफ भाई से मालूमात ले? बिल्कुल, उसके अलावा ना भी डाले, मुझसे ना भी ले फिर भी मालूमात ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपके व्यूवर्स के लिए फोन है ये। चलें तौसीफ भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03218910220, व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स का खास ख्याल रखें। बिल्कुल ज़रूर। चलें, जज़ाकअल्लाह। तौसीफ भाई, लास्ट में क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था आपके व्यूवर्स से, आप लोग अपने व्यूवर्स के लिए इतना वो कर रहे हैं, तो भाई इनके लिए लाइक करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर करें चैनल जमशेद आसमी। आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, देखें बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, क्योंकि हम लोग एक टाइम निकालते हैं, हमारी भी मसरूफियात होती है, लेकिन आप व्यूवर्स के लिए टाइम निकाल के हम सेटअप में भी जाते हैं, मार्केटों में भी जाते हैं, तो एक सिर्फ एक लाइक का बटन दबाने से हमें हमारी हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो आज हमने तौसीफ साहब के सेटअप पे यहाँ पे नज़र डाली, यहाँ पे हमने भरपूर मोर देखे, साथ साथ जो बर्ड्स इनके पास मौजूद थे उन पर भी नज़र डाली। यहाँ पे हमें फीजेंट्स देखने को मिले, वाइट फीजेंट थे, ब्लू गोल्डन फीजेंट्स थे, इसके अलावा चकोर देखे हमने, और इनके कुछ शौकिया तौर पे जो उन्होंने रखे हुए थे वो उनके कबूतर भी देखे हमने। तो उम्मीद करता हूँ ये मुकम्मल वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।